नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चौधरी सतवंत सिंह एंड आप देख रहे हैं अनबॉक्स लाइव। आज हम अनबॉक्स करेंगे एक मोबाइल सेट को जो अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है और जिसका नाम है एफ वन एस का अपग्रेड वर्जन है। पहले जो एफ वन एस आता था नॉर्मल वर्जन था, ये अपग्रेड वर्जन है। आप इस सेट को देख सकते हैं, ये एफ वन एस है, ये मोबाइल है। अभी तक से दिख नहीं रहा है क्योंकि पोलोथीन में पैक है। और इसके साथ मुझे गिफ्ट हैम्पर भी मिला है, जो कि ये गिफ्ट हैम्पर है। इसके अंदर कुछ आइटम्स हैं जैसे फैन वगैरह है, क्योंकि ओडीजी सपोर्टेड सेट है ये। दोस्तों हम इसको अनबॉक्स करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको इसकी अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग में पहले हम इसकी सीट हटा लेते हैं जो इस पर आई हुई है। ये पोलोथीन इसके हटा दिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एफ वन एस 64 GB रोम, यानी बहुत ज़्यादा साइज है स्टोरेज के लिए। 64 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है और ये आपका 4 GB रैम है इसके अंदर। 4 GB रैम यानी काफ़ी अच्छी रैम भी दी हुई है इसके अंदर। इधर ओप्पो लिखा हुआ है, यहाँ एफ वन एस सेल्फी एक्सपर्ट, इस साइड भी ओप्पो एफ वन एस सेल्फी एक्सपर्ट। और यहाँ पर कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ओप्पो एफ वन एस, यहाँ इसका बारकोड दिया हुआ है। बारकोड को स्कैन कर आप इसकी वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं और डायरेक्ट इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ दिया हुआ है इसका कैमरा है 16 MP फ्रंट फेसिंग कैमरा है और फ्लैश टच एक्सेस है, यानी मोबाइल को थंब को स्कैन करते ही एकदम से इसका लॉक खुल जाएगा, काफ़ी क्विकली खुल जाता है इसका। और यहाँ दिया हुआ है 4 GB रैम, 16 GB रोम और स्टिक मेटल बॉडी। इसकी मेटल की बॉडी है, 5.5 इंच इसकी डिस्प्ले है, 160 ग्राम इसका वेट है विथ बैटरी। यहाँ दिया हुआ है ओप्पो A1601, ये इसका मॉडल है। और फिर 16 GB लिखा हुआ है आगे। कलर इसका गोल्ड है जो मैं लेकर आया हूँ, और कलर भी हो सकते हैं इसके अंदर, पर ये फिलहाल गोल्ड कलर है। और इसका ये EMI नंबर्स वगैरह यहाँ दे रखे हैं एंड और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और यहाँ और मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल में। यहाँ पर इसका दिया हुआ है, ये गोल्ड कलर दे रखा है मोबाइल फ़ोन। और इसका कैमरा दिया हुआ है, देखिए रियर कैमरा 13 MP है, फ्रंट कैमरा 16 MP है। इसकी वेट की बात की जाए तो अबाउट 160 ग्राम है और डिस्प्ले इसकी 5.5 इंच की जो मैंने आपको बताई थी। ये बैटरी इसकी 3075 mAh, 3075 mAh की इसकी बैटरी है। और इस पर जो प्राइस दिया हुआ है 19,990 रुपये, हालांकि मैंने 19,000 का ख़रीदा है, इस पर 19,990 दिया हुआ है। यूनिट वन यानी एक पीस है इसके अंदर। और नेट कंटेंट्स की बात करें तो इसमें एक हैंडसेट है, एक चार्जर है, एक ईयरफोन है, 1 USB डाटा केबल है, वन सिम एडजस्ट टूल है, 1 क्विक गाइड है, 1 सेफ्टी गाइड है और 1 प्रोटेक्टिव केस यानी कवर, इसका एक कवर इसके अंदर। यहाँ इनकी ईमेल आईडी दी हुई है, एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, कस्टमर केयर वगैरह के बारे में जानकारी दी हुई है। यहाँ दिया हुआ है मैनुफैक्चर्ड बाय ओप्पो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, A1 55B सेक्टर 63 Phase 3 नोएडा उत्तर प्रदेश इंडिया। और नीचे दिया हुआ मैनुफैक्चर्ड बाय ओप्पो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, F16 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया Phase 1 न्यू दिल्ली, और बारकोड एंड इंडिया। और इसकी बात करें मैन्युफैक्चरिंग, तो लास्ट मंथ यानी नवंबर में ये पैक हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नवंबर 2016 में ये पैक हुआ है, यानी पिछले महीने ही पैक हुआ है, अभी अभी मार्केट में आया है ये सेट। और अब मैं इसको इस बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ। काफ़ी अच्छी बॉक्सिंग दी हुई है, अंदर से इसका ये बॉक्स है, ये देखिए 3 साइड इसके ओप्पो लिखा है, ओप्पो दिया हुआ है। इधर बारकोड दिया हुआ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बारकोड दिया हुआ है। अब इसको खोल लेते हैं। ये सेट है इसका, देखिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये मोबाइल फोन केस इसका, और ये इसके अंदर कुछ आइटम्स होंगे, और ये कुछ आइटम्स, हेडफोन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हेडफोन है, हेडफोन दिया हुआ है। एक USB केबल दी हुई है, ये USB केबल दी हुई, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है छूने में। और ये चार्जिंग एडाप्टर भी काफ़ी
अच्छा दिया हुआ है इन लोगों ने। देखते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है। हाँ, इसमें स्विच पावर सप्लाई मॉडल ये 5 वोल्ट का है, 2 एम्पेयर, मेड इन चाइना, यानी चाइना में बना हुआ है। और ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं, और यहाँ बार कोड दिया हुआ है। चलो इसको रखते हैं। इधर ओप्पो दिया हुआ है, यूएसबी पोर्ट दे रखा है, कोई बात नहीं। अभी इसमें देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ एक ये दो मैं इसके मैनुअल गाइड वगैरह दिए हैं, क्योंकि गाइड एंड इसे पढ़कर आप देख सकते हैं मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको देख सकते हैं। और एक ये इसका कवर दिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट कवर है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट कवर। अब बात करते हैं मोबाइल पर, आते हैं मोबाइल बाहर निकालते हैं, पैकिंग के अंदर पैकिंग दी हुई है इन लोगों ने, काफ़ी अच्छी तरह से पैक किया हुआ है। पता नहीं, 1 घंटा अभी टाइम लग रहा है, इसके बाद निकल गया, मोबाइल बाहर आ चुका है, जैसे कि देख पा रहे हैं आप। मैं इसको अनबॉक्स अन सॉरी मैं इसको ऑन करता हूँ, ये ऑन हो रहा है, शायद फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेगा। थोड़ा वेट करिए, देखिए एनिमेशन भी इन्होंने इन लोगों ने अच्छा दिया है, स्टार्ट हो रहा है, इट्स टेक फ्यू टाइम, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो नो प्रॉब्लम, वी हैव टाइम। मैं यहाँ लैंग्वेज चूज करूँगा, या इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, ये रिलीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ही करते हैं, इंडिया करते हैं, चलो जो हम है ही इंडिया से तो इंडिया ही करते हैं, इंडिया। नेक्स्ट, और ये दिखा रहा है वाईफाई से कनेक्ट करने को, चलो कर लेते हैं, आगे ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं इसे अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, आगे चलते हैं, अभी लोड हो रहा है। ये कांट साइन इन बोल रहा है, मुझे साइन इन करना ही था, नेक्स्ट मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, आगे जाना है, डाटा अपडेट, चलो और आगे जाते हैं, और आगे जाते हैं। ये कह रहा है थैंक यू फॉर चूजिंग ओप्पो, थैंक यू फॉर चूजिंग ओप्पो, गेट स्टार्टेड। अब खुलकर हमारा सेट हमारे सामने आ गया है, मैं इसकी ब्राइटनेस देखता हूँ कितनी है, ब्राइटनेस मैं इसकी फुल कर देता हूँ, जिससे आप लोग सही तरह से इसे देख पाएँ, या देख सकें। अभी आ गया है, जब मैं इसकी थोड़ा देखते हैं, इस पहले इसकी सेटिंग में चलते हैं, सबसे पहले इसकी सेटिंग में चल कर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सेटिंग, नोटिफिकेशन बार, नोटिफिकेशन बार में क्या दिया हुआ है, बैटरी परसेंटेज, चलो पहले बैटरी परसेंटेज ऑन कर लेते हैं, आ गया। रियल टाइम इंटरनेट स्पीड, चलो ये भी ऑन कर लेते हैं, स्पीड कितनी आ रही है बताएगा। सो डाटा यूजेस, टर्न ऑन डिस्प्ले लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, बिल्कुल ऑन चाहिए हैं। सो डाटा यूज बॉटम ऑफ द नोटिफिकेशन बार, चलो उसको भी ऑन कर लेते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब देखते हैं नीचे क्या क्या सेटिंग्स दी हुई हैं, क्विक टाइम डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, वॉलपेपर, वॉलपेपर वगैरह देखते हैं क्या क्या इसमें किस किस तरह से दिया हुआ है। अच्छा, ये काफ़ी ऑप्शंस दिए हुए हैं लॉक स्क्रीन वॉलपेपर्स के लिए, अपडेट भी आती रहती है इसकी। और आगे चलते हैं, और आगे देखते हैं क्या है, साउंड एंड फिंगरप्रिंट। इसमें फिंगरप्रिंट, अगर आपको अपना फिंगरप्रिंट इसके अंदर स्कैन करना है तो हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से अनलॉक ऑन कर देंगे ऐप वगैरह, यहाँ से फिंगर ऐड अ फिंगरप्रिंट, यहाँ से अपना फिंगरप्रिंट इसमें स्कैन कर सकते हैं बड़ी आसानी इसके साथ में। चलो और आगे चलते हैं, मैं अभी नहीं करता क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और हाँ, इसमें सेव फाइल, आप जैसे हिडन फाइल्स वगैरह होती हैं, आपको अपनी हिडन फाइल्स रखने के लिए कई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सेव फाइल में जाकर किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं विद फिंगरप्रिंट स्कैनर लॉक। और आगे चलते हैं, अबाउट फोन में जाते हैं, पहले कलर्स ओएस, कलर ओएस बेस्ड ऑन एंड्रॉयड इसका बनाया हुआ है, ये डिवाइस नेम ओप्पो F1S, मॉडल नंबर A1601, कलर्स ओएस वर्जन है V3.0.0i, एंड्रॉयड वर्जन है 5.1, प्रोसेसर है ऑक्टा कोर प्रोसेसर है इसके अंदर, रैम 4 GB, रोम जो है इसके अंदर 52 GB अवेलेबल दिखा रहा है, 64 GB इसकी टोटल मेमोरी है, यानी 12 GB इसके एंड्रॉयड ने इसको ले रखा है इसकी मेमोरी को, जो फोन यूज़ करता है। बिल्ड नंबर दिस बेस्ड ऑन, ये सारा कुछ इसके अंदर दिया हुआ है, स्टेटस वगैरह सब लीगल इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं जाकर इसके अंदर। पीछे चलते हैं, हाँ सिस्टम अपडेट अभी तो कराएगी क्या, अभी तो नया नया सेट है,
अकाउंट्स वगैरह, कॉल सेटिंग्स वगैरह, कैमरा सेटिंग वगैरह सब हम यहाँ से कर सकते हैं। मैं सुना ये कैमरा बहुत अच्छा है इस फ़ोन का, उसे भी चला कर देखेंगे हम। कैमरा तो रियल में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसके कॉन्टैक्ट्स वगैरह लाने के लिए इम्पोर्ट यहाँ से करना पड़ता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लोग डायरेक्टली देखते हैं तो डायरेक्टली नहीं आता है, तो उससे प्रॉब्लम होती है, थोड़ी पीछे आते हैं। वीडियो ऑडियो सारी सेटिंग्स इसकी यहाँ दी हुई हैं, ना कि डायरेक्टली दी हुई हैं। एडिशनल सेटिंग, प्रिंटिंग, ओटीजी सब, ओटीजी सपोर्टेड भी है, सेट से ओटीजी भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर इसमें दिया हुआ है ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ वे नॉट इन यूज फॉर 10 मिनट्स, यानी हम 10 मिनट मोबाइल को यूज़ नहीं करते तो इसमें अपने आप ही बंद हो जाएगा ओटीजी फंक्शन इसका। अच्छी बात है, खुला रहे उससे बैटरी ख़त्म होती है, कोई बात नहीं। हम पीछे आते हैं, हम ओटीजी भी चेक कर देखेंगे इसकी ओटीजी किस तरह से काम कर दिया, इसकी बैटरी वगैरह के बारे में दिखाऊँ, कौन सा सॉफ्टवेयर कितनी बैटरी ले रहा है इसका सब बताता है, क्विक सेटिंग मोड वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो सेट बहुत अच्छा है। अच्छा, उसने मुझे बताया था इसके अंदर गेस्चर्स भी हैं, मैं गेस्चर्स भी देखता हूँ। गेस्चर्स कहाँ हैं इसके, गेस्चर्स, फिंगरप्रिंट्स, अच्छे गेस्चर्स एंड मोशन। कवर मोड ऑन करता हूँ मैं, क्विक गेस्चर्स ये है इसका, ऑफ स्क्रीन गेस्चर्स ऑन करता हूँ मैं, ये सारे और गेस्चर्स ऑन कर देता हूँ। यहाँ दिया हुआ है इससे डबल टैप टू वॉक अप व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ, डबल टैप यानी डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन हमारी ऑन हो जाएगी। ड्रॉ ओ टू स्टार्ट कैमरा, ओ ड्रॉ करेंगे तो कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। ड्रॉ वी टू टर्न ऑफ फ्लैश, टर्न ऑन फ्लैश लाइट, वी बनाएंगे तो फ्लैश लाइट जल जाएगी। और इसमें देखिए म्यूजिक कंट्रोल, यानी दो उंगलियों को नीचे करेंगे तो म्यूजिक कंट्रोल हो जाएगा और म्यूजिक ऑन स्टार्ट होगा, प्ले पाउस। और नेक्स्ट का प्रीवियस का साइन भी दिया हुआ है, नेक्स्ट एंड प्रीवियस का साइन दे रखा है इन्होंने, इस तरह से करेंगे तो नेक्स्ट का प्रीवियस हो जाएगा हमारा जो भी ट्रैक चल रहा होगा। एड गेस्चर्स, अच्छा इस पर कोई भी कुछ भी हम लगा सकते हैं, इतने सिंबल्स दिए हुए हैं इस पर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कॉल फंक्शन या एप्लीकेशन कुछ भी इस पर हम ऐड कर सकते हैं, सिंपल बहुत अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट है। चलो देखते हैं इसके गेस्चर्स ऑन, गेस्चर्स ट्राई करते हैं। पहले मैंने लॉक किया, डबल टैप इसने बोला, डबल टैप स्क्रीन ऑन, डबल टैप करता हूँ 1 2, वाव डिस्प्ले ऑन हो गई। डबल टैप ऑफ भी हो जानी चाहिए, डबल वाव, यानी अगर हमारा ये पावर की एक बार वो ख़राब हो जाती है डबल टैप करके हम स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं, अच्छी बात है। और डबल टैप करके दोबारा बंद करता हूँ। अब मैं देखता हूँ इसका म्यूजिक चला कर, म्यूजिक का था 2 फिंगर डाउन, मैं 2 फिंगर डाउन करता हूँ या चालू हो गया। हालांकि इस समय समय म्यूजिक नहीं है तो ऑब्वियसली कुछ बजेगा ही नहीं, साधारण सी बात है। अब इसको डबल टैप करके दोबारा से बंद कर सकते हैं इस तरह से। ओ ड्रॉ कर हम इसमें कैमरा चला सकते थे, तो उसको ओ ड्रॉ करते हैं, ओ ओ ड्रॉ हो गया, कैमरा चल गया, वाह। कैमरे की फुल स्क्रीन कर लेते हैं, फुल स्क्रीन ब्यूटी मोड है, इसमें इसे डाउन कर देते हैं, इसमें आप मुझे देख सकते हैं, मैं अभी इसका म्यूजिक चालू है इसका, चलो म्यूजिक को पॉज कर देते हैं कि हम आप देख पा रहे क्या मस्त कैमरा है इसका, कैमरे की क्लियरिटी तो खतरनाक है, काश सच में मैं इतना सुंदर होता कैमरा मस्त ऑसम कैमरा है। कैमरे के बारे में कुछ कहने, 16 मेगापिक्सल कैमरा है तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, और ब्यूटी फेस के साथ में आ रखा है। और कैमरे के अंदर से काफ़ी फीचर्स हैं, जब आप लेंगे इस मोबाइल को तो आपको पता चल जाएगा। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, मोबाइल बेस्ट है, इस मोबाइल में कोई कमी निकालें ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मेरे पास ऑलरेडी कोई दूसरा वर्जन चला रहा हूँ मैं इसका, जिसका नाम है F1 प्लस, जिस समय से मैं मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ F1 प्लस से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं सारा ऑपरेट इस चीज़ से करता हूँ। तो दोस्तों जैसे हमने इसके बारे में देखा, सेट बहुत प्यारा है और इसके अंदर OTG सपोर्टेड है, तो हम इसके OTG भी लगा कर देखते हैं, अभी OTG वगैरह सब लगा कर ट्राई करेंगे। ये गिफ्ट हैम्पर आया है इसके साथ में, गिफ्ट है, ये की चैन आ रखी है कुछ इसके साथ, ये की चैन है ओप्पो की चैन, सेकंड वन की चैन, ये सेल्फी स्टिक है, सेल्फी स्टिक है, ये देखते हैं कितनी लंबी है, दिखने में तो छोटी सी लग रही है, ठीक है इतनी बड़ी भी नहीं है तो इतनी छोटी भी नहीं है, काम चलाओ ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, हमारे इसका कोई काम नहीं है। एक पंखा रखा है इसके साथ में, हालांकि सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में तो पंखे का कोई काम नहीं है, पर कोई बात नहीं, गर्मियों में काम आएगा, बच्चों को हवा करने
अब मैं इसमें OTG चला कर देखता हूँ। अभी OTG चलाते हैं, अभी जैसे इसमें दिखा रहा था OTG सपोर्टेड है, ऑन करते हैं। 10 मिनट तो ऑन रहेगी रहेगी। ये मैंने माउस कनेक्ट करा है, इससे माउस ऑन हो गया है। अब आप देख पाएंगे ये माउस आ रहा है, माउस से इसे ऑपरेट कर सकते हैं कुछ भी। ये देखिए मैं चलाता हूँ कुछ, कैमरा ऑन कर दिया मैंने, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप वगैरह से। ये देखिए हम ऊपर नीचे जो मर्जी कर सकते हैं, यानी कैमरा को तो माउस को तो ले रहा है, अच्छी बात है। चलो माउस को निकालते हैं भाई। अब मैं गेम पैड लगा कर देखता हूँ इसमें, ये गेम पैड है, गेम पैड लगा कर देखते हैं। ये इसमें मेरा बंद हो रखा है, देखते हैं गेम पैड चलता है। हालांकि गेम नहीं है अभी इसके अंदर कोई, पर कोई नहीं, लाइट तो जल जाएगी, उससे पता चल जाएगा। सिलेक्ट एनालॉग, हाँ लाइट जल गई, इनसे क्या अपने गेम्स का भी मजा ले सकते हैं गेम पैड लगाकर, ये तो बहुत अच्छी बात है इसकी। ये देखो अच्छा, और ये कंट्रोल भी कर रहा है, मैं इसकी को दबा रहा हूँ तो कुछ दिखा रहा है इसमें। ये देखें ये पावर ऑन ऑफ हो गया, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ इस जगह पर। ये देखिए मैं बटन दबाया मैंने तो इसमें, यानी गेम पैड भी चल रहा है। अब फैन चला कर देखते हैं इसका, फैन कहाँ है इसका, ये रहा फैन, फैन लगाते हैं आप लोग। मुझे लग रहा है इसकी डिस्प्ले की वजह से ज़्यादा दिखा रहा है, ये कंट्रोल्स के से दिखाई नहीं दे रहे इसमें। अब चलो आ गया, अब हम फैन लगाते हैं, बाहर आते हैं पहले, बाहर आके फैन लगा लेते हैं। ये फैन, या ओ हवा का, ये हवा का साउंड भी आपको मिल रहा होगा, देखिए काफ़ी अच्छा है, इसके ऊपर चल रहा है, अच्छा फैन चल रहा है इसका, वाह। और प्लस पॉइंट ये है, ये फैन जो चोट नहीं पहुँचाता, क्योंकि इसकी पंखड़ियाँ बड़े अच्छे हैं, ये ऐसी नहीं है कि जो किसी को चोट पहुँचाए, इससे हवा भी खा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हवा खाइए, कीबोर्ड माउस वगैरह जो मर्जी इससे कनेक्ट करिए और इस इंजॉय करिए। अभी तक घूम रहा है क्या, देखो ना इतनी देर हो गई छुटे हुए भी, वाओ यार ये चीज़ तो मस्त होगी। साइड के साथ में गर्मी में आराम से हवा तो खाएंगे, मोबाइल तो खैर चलो चलेगा तो चलेगा। प्लस अब इसकी एक बात और मैं बता दूँ आपको, 128 GB मेमोरी कार्ड सपोर्टेड है, 128 GB ये पेन ड्राइव सपोर्टेड है, 2 TB तक की हार्ड डिस्क को सपोर्ट कर सकता है, यानी 2000 GB तक की हार्ड डिस्क सपोर्ट करेगा, बहुत बड़ी बात है एक फ़ोन के लिए। पीछे से भी इसके फिर दिखा देता हूँ मैं आपको, पीछे से बहुत प्यारा सा सेट है। और ये इसके ऊपर एक शीट चढ़ी हुई है जिसपे लिखा हुआ है, इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, पर अभी नहीं करता फिलहाल, बाद में करूँगा। इसका कवर भी था, मैं इसका कवर भी चढ़ा कर देखता हूँ, कवर चढ़ा कर कैसा लगता है। OTG से बहुत चीज़ें से कनेक्ट कर सकते हैं आप, इसको चढ़ा लेते हैं। अभी फर्स्ट टाइम है थोड़ा टाइट चढ़ रहा है, या चढ़ गया, अच्छा लग रहा है कवर चढ़ा कर, अभी प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन चढ़ जाता है। इसमें एक माइक नीचे दिया होता है, एक माइक यहाँ ऊपर दिया होता है, माइक जो दिख रहा है। माइक क्वालिटी बहुत ऑसम है इस सेट की, नो डाउट, क्योंकि मैं ऑलरेडी वन प्लस चला रहा हूँ तो उसकी माइक क्वालिटी ऑसम है, एकदम ऑसम। यहाँ दिखा रहा है कि इसकी पिन दी हुई है इन लोगों ने इसके अंदर, इसे खोल कर देखते हैं, पिन यहाँ ये पिन दी हुई है, इसे सिम ट्रे निकाल सकते हैं हम लोग, देखते हैं ट्राई करके। सिम ट्रे इसकी यहाँ सिम ट्रे दी हुई है, डुअल सिम सेट है, बोथ सिम 4G, दोनों सिम 4G हैं इसके, निकालते हैं बाहर। ये अच्छा दिया हुआ है इसके अंदर, ये सीन अच्छा है, इसमें 2 नैनो सिम लगा सकते हैं, साथ में SD कार्ड स्लॉट अलग से लगा सकते हैं, ये फीचर बेस्ट है। यानी आप और सेटों में क्या होता था मोस्टली, या तो सिम कार्ड लगा सकते थे या 2 सिम चला सकते थे, इसमें दोनों सिम प्लस SD कार्ड एक साथ चला सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो बात करें दोस्तों इस सेट की, तो सेट एकदम बिंदास है, एकदम चक्काश है। तो उम्मीद करता हूँ आप अगर इस सेट को अगर खरीदने जा रहे हैं 18-20 हज़ार की रेंज में कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो आप इस सेट को बाय करिए, बहुत प्यारा सेट है। और क्योंकि अपग्रेड होकर आया है, 64 GB बहुत होता है, 4 GB रैम बहुत होती है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स खुद इसके अपने दिए हुए हैं, एंटीवायरस वगैरह इसका खुद का अपना है, प्राइवेसी वायरस स्कैन ऐप ब्लॉक वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। चलो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सेट अच्छा लगा होगा, थैंक यू।